प्रश्न बताइए सर। चलिए ठीक है, मैं आपको जो प्लान देने जा रहा हूँ आज का डेट में मार्केट में पूरा आग लगा के रखा है, ठीक है। उसका नाम है ट्रेजर NFT। नाम तो सर आप सुने होंगे। जी सर, हाँ सुना हूँ। नाम सुना है ना। हाँ, मार्केट, ये मार्केट में ताल का मचा के रखा हुआ है, ठीक है। ये कैलिफोर्निया से है जो भी है, ये 2021 में मार्केट में आया था, ठीक है। 2021 में आया था लेकिन ट्रेडिंग एक्सचेंज जिसके चलते काफ़ी मार्केट में आग लगा है, ठीक है, ट्रेडिंग एक्सचेंज के चलते। ओके। यहाँ पर आपका फंड रहेगा, इस के ऊपर आपका वैलेट रहेगा, इस वैलेट पे आपका फंड रहेगा, यहीं पर ट्रेडिंग होता है सर, ठीक है जी। ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, सबसे पहली बात ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है कि आपको महीना इतना देंगे, 3 महीना के लिए फंड लॉक हो जाएगा या 6 महीना के लिए फंड लॉक हो जाएगा या 2x देंगे 3x देंगे। 2x 3x का प्लान नहीं है, नहीं है। यानी कि आप फंड रखे हैं, जैसे आप बैलेंस पे फंड रखे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब चाहे आप अपना पैसा को निकाल सकते हैं, जब चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जब चाहे आप पैसा को डिपॉजिट कर सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2022 में इन्होंने क्या किया है, एक ट्रेडिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म को लेकर आया, किसका, NFT के। NFT क्या है, नॉन फंजिबल टोकन है, ठीक है। जैसे जिस प्रकार से हम लोग आधार कार्ड एक बार बन गया तो बन गया, तो दूसरे को हम लोग नहीं दे सकते हैं, ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक नॉन फंजिबल टोकन है NFT, इसके ऊपर में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लेकर आया। ये पहला वर्ल्ड का पहला ऐसा सिस्टम है जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, मिनिमम डिपॉजिट की बात करूंगा, मिनिमम डिपॉजिट जो है यहाँ पर हम लोग $100 मान के चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो $50 है, ठीक है जी। लेकिन $50 हम लोग किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं, उसका उसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी जनरेट नहीं होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो मिनिमम विड्रॉल जो है, पहले इसको जानना जरूरी है ना सर, कितना कम से कम पैसा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। $50 मिनिमम विड्रॉल, $50 मान के चलिए आप अपने डिपॉजिट किया $100 इस सिस्टम पे, ठीक है, और ट्रेड किया, एक दो दिन ट्रेड किया, 10 दिन ट्रेड किया और अर्जेंटली आपको पैसा जरूरत हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कैपिटल को या फिर अपना प्रॉफिट दोनों को मिला के एक ही बार में विड्रॉल ले सकते हैं, क्लियर है सर। आप अपना प्रॉफिट या प्रॉफिट प्लस कैपिटल दोनों को वापस ले सकते हैं। एक मिनट में यहाँ रुकूंगा कि मैंने $50 से आईडी लगाया, $50 से भी है ना, $50 से भी है और $50 ये $2 मेरा प्रॉफिट हो गया, हाँ। तो मैं $52 विड्रॉ कर सकता हूँ, हाँ, $52 विड्रॉ कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, कोई मैंने कोई कंडीशन, हाँ, तो यहाँ कंडीशन, हाँ, कैपिटल नो कंडीशन है सर, कैपिटल विड्रॉ ज़्यादा नहीं लिखूंगा, एनी टाइम ठीक है, जब चाहे आप पैसा विड्रॉ ले सकते हैं, कैपिटल विड्रॉ, ठीक है, विड्रॉ को मैं शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया। अच्छा, इस सिस्टम पे आप कितना पैसा को डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, तो इस सिस्टम पे $100 से लेकर के $500 तक ऐड कर सकते हैं या फिर वैलेट रख सकते हैं जी, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं जी जी। इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, एक लाख लगाइए, $2 लगाइए, $3 लगाइए, यहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा। आपका एक लिमिट दिया हुआ है $100 से लेकर के $500। $100 हम लोग कम से कम बोलते हैं, सबको रिकमेंड करते हैं $100 से आप कीजिए, $100 से आप गरीब नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो $100 अगर काम कर गया, आपका पैसा बहुत अच्छा बना तो बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। तो $100 में अगर आप इस सिस्टम पर आते हैं तो आपको क्या मिलेगा, पर डे जो है 1.8% मिलता है, ठीक है। कभी कभी सिस्टम में क्या होता है, देखा गया है, आपके पास $100 है मान के चलिए, ठीक है, और आप उस समय ट्रेड लगा रहे हैं, तो उस समय अगर NFT $100 का अगर नहीं मिलता है तो उस दिन ट्रेड नहीं लगता है, ठीक है, ट्रेड उस दिन नहीं सक्सेस नहीं होगा, ट्रेड नहीं लगेगा, मतलब कि आपका पैसा वैसे का वैसे ही है, क्लियर है। तो उस दिन आपका प्रॉफिट नहीं मिला, तो ये इस टाइप का कभी कभी कितना दिन हो सकता है, महीना में हो सकता है, एक एवरेज है, ठीक है, 6 से लेकर के 8 डेज ऐसे भी हो सकता है कि उस दिन आपका ट्रेड नहीं लगेगा, ठीक है, 24-25 दिन मोटा मोटी मान के चलिए आपका ट्रेड लग जाता है। तो यहाँ पर अगर एक हिसाब से इस अनुसार से भी अगर जाएंगे तो लगभग 40 डेज में आपका जो कैपिटल है वो 2x हो जाता है, ठीक है, 40 डेज में लगभग आपका कैपिटल 2x हो जाता है, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये ट्रेडिंग बेस्ड प्लान है, नहीं तो दोगुना हो जाएगा बोलने से आदमी डरता है कि ये सारा इन्वेस्टमेंट प्लान होगा सोचता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, $100 से आप इस सिस्टम पे एंट्री ले सकते हैं, क्लियर है, कैपिटल जब चाहे वापस ले जा सकते हैं, ठीक है जी जी, प्रॉफिट भी ले जा सकते हैं, मिनिमम विड्रॉल $50 है वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इनकम, इसमें अगर आप वर्क करते हैं, सिस्टम अच्छा लगा आपको, लोगों को आपने क्या किया, ट्रेडिंग कर रहे हैं प्रॉफिट कर रहे हैं, विड्रॉ भी करके देख लिए हैं, तो आप बोलेंगे क्या बोलेंगे, नहीं एक दो जन को मैं भी रेफर करता हूँ, तो रेफरल इनकम वगैरह सब भी मिलता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा टाइप्स ऑफ इनकम, ठीक है। ये
एक जो है ट्रेडिंग इनकम, ठीक है, ट्रेडिंग इनकम क्या है 1.8%, ठीक है। जब भी आप इस सिस्टम पे आते हैं तो L1 पे आ जाते हैं, L1 एक रैंक है, ठीक है। जब भी इस सिस्टम पे आप आते हैं लगाते साथ में L1 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग इनकम क्या है, डेली का 1.8% आपको मिलेगा। दूसरा जो है वो क्या मिलता है, स्पॉन्सर इनकम। आज का डेट में आपने ट्रेडिंग किया, प्रॉफिट किया और विड्रॉ किया, अच्छा लगा, कल आप हो सकता है किसी को रेफर करेंगे, तो ये उस समय आपको रेफर इनकम मिलता है, स्पॉन्सर इनकम, ठीक है। किसी को स्पॉन्सर करेंगे उस समय वो मिलेगा। उसके बाद तीसरा जो इनकम मिलेगा यहाँ पर रैंक इनकम। चौथा जो है अवार्ड, अवार्ड एंड रिवार्ड, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो मिलता है मंथली सैलरी, यहाँ पर सैलरी भी है सर, ठीक है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो सिस्टम आपको सैलरी भी देता है, सैलरी देता है, सैलरी इनकम। तो मैं एक एक करके क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ट्रेडिंग इनकम, वो तो क्लियर हो गया। आप इस सिस्टम पे जैसे ही आए L1 पे आ गए और महीना का कितना, डेली का कितना मिलेगा, 1.8% डेली का, हाँ। और ये महीना में 24-25 दिन आपको मिलता है ट्रेडिंग सक्सेस होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्सर इनकम, इसका मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। मान के चलिए आप यहाँ पर हैं, इस सिस्टम पे आ गए और आपने इस सिस्टम पे $500 मान के चलिए लगा कर रखे हैं, 1.8% मतलब $8-10 आपको डेली मिल रहा है, $8-10 डेली, ठीक है। आपने क्या किया है, स्पॉन्सर किया स्टेप से किसी एक को, ये मान के चलिए ए है, ए अगर इस सिस्टम पे आ जाता है तो आपको क्या मिलेगा इधर से $18, जी सर, अभी $18 करके मिल रहा है, ओके। दूसरा को डायरेक्ट किए फिर $18 मिलेगा, ठीक है। तीसरा को किया इधर से भी $18, इस स्टेप से आप अनलिमिटेड लोगों को डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान के चले आपने इस स्टेप से तीन लोगों को डायरेक्ट कर दिया, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो तीन लोग हो गए, तीन के नीचे में क्या हो गया, ये भी इन्होंने भी काम किया, इन्होंने भी काम किया, इन्होंने भी इस स्टेप से ये हो गया, 3-2 लेवल बना। इसको हम लोग बोलते हैं ए लेवल, इसको बी लेवल, इसको सी लेवल। तो 3 लेवल का प्लान है सर इस सिस्टम पे, ठीक है। इसीलिए भी सिस्टम सर्वाइव कर रही है इसमें। जब तक आप रैंक अचीव नहीं करेंगे टीम इनकम नहीं मिलेगा, सिर्फ वन टाइम रेफरल इनकम मिला आपको, स्पॉन्सर इनकम, लेकिन लेवल इनकम अभी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रैंक इनकम में ये है, रैंक इनकम में लेवल इनकम आ जाएगा। कैसे रैंक कैसे होगा, इस लेवल में 3 लोगों को डायरेक्ट किए हैं, 1, 2, 3, और यहाँ पर बी और सी में टोटल 5 लोग हो गए, तो क्या हो गया, आप एक रैंक अचीव करेंगे L2, ठीक है। आपका खुद का फंड $500 होना चाहिए, खुद का वॉलेट $500, और डायरेक्ट में 3 लोग, और इनके नीचे में टोटल 5 का टीम साइज होना चाहिए, तो आप L2 हो जाएंगे। क्लियर है सर, रैंक अचीव हो गया। रैंक अचीव होने से क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, ए लेवल से 12%, ये लोग जो भी ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, ये लोग जो ट्रेडिंग करेंगे प्रॉफिट करेंगे, उस प्रॉफिट का 12% मिलेगा इस लेवल से। बी लेवल से 5%, सी लेवल से 2%, ठीक है। अच्छा, ये हो गया है आपका रैंक, जब जैसे ही क्वालिफाई करते हैं L2 जैसे हो जाते हैं तो लेवल में जो बिजनेस होगा उसके ऊपर ROI का ROI ए मिलेगा। ROI नहीं है, नहीं, ट्रेडिंग प्रॉफिट का परसेंटेज आपको मिलेगा, जी जी, ओके। ये हो गया है आपका L2 रैंक अचीव करने का तरीका, क्राइटेरिया, ठीक है, ठीक है। फिर आगे उसी प्रकार से L3 है, L3 में कम से कम आपका फंड $2,000 का होना चाहिए, और ए लेग में, एक मिनट सर, खत्म हो गया। तो ए लेग में डायरेक्ट में आपका 6 होना चाहिए, बी और प्लस सी में 20 लोग होना चाहिए, ठीक है। L3 जाने के लिए पहले तो आप L2 हो गए, L2 के बाद L3 पे जाएंगे, L3 में जाने के लिए 2000 का फंड खुद का होना चाहिए और प्लस 6 लोगों को डायरेक्ट करना चाहिए, बी और सी में 20 लोगों का टीम होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर परसेंटेज जो मिलेगा, ए में 13% मिलेगा, बी में 6% मिलेगा और सी में 3% मिलेगा, ठीक है। okay. तो इसी प्रकार से पूरे नीचे तक जो है LC रैंक तक है। अच्छा, LC ये सब रैंक है सब, ठीक है। LC रैंक तक है, हाँ ना। उसके बाद 1-star, 2-star वगैरह सब ये सैलरी के लिए, ठीक है, उसके लिए PDF से। उसके बाद मैं आपको सैलरी वाला बता देता हूँ, अलग से मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा दिखाइए सर, जी जी जी, ठीक है, दिख रहा ना, दिख रहा है। तो देखिए सैलरी कैसे अचीव होगा, सैलरी के लिए क्राइटेरिया क्या है, आप हैं इस सिस्टम पे, आपने क्या किया, 15 लोगों को डायरेक्ट कर दिया, ओके, और बी और सी मिला करके, दोनों बी और सी यानी कि सेकंड लेवल और थर्ड लेवल में टोटल टीम साइज 60 होना चाहिए, तो आपको महीना $200 मिलेगा। आपके डायरेक्ट बाइनेंस पे का एड्रेस दिया है तो डायरेक्ट बाइनेंस पे जाएगा, ऐसे नहीं कि वॉलेट में देगा, डायरेक्ट बाइनेंस पे चला जाएगा, डायरेक्ट बाइनेंस में, ठीक है। मान के चलिए आपका डायरेक्ट में 25 लोग हैं और 25 लोगों के नीचे में बी और सी में 150 टीम, नेक्स्ट टू नेक्स्ट है कि एक्युमुलेट है,
नेक्स्ट टू नेक्स्ट है। अच्छा नेक्स्ट मतलब एक मिनट है, 25 पहले था और 10 कर दिया, 10 कर दिया। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। तो यहाँ पर 60 और थे और कितना हो गया, और 90 हो गया, 90 कर दिया तो हो गया आपका 350 मंथली हो गया। तो उसी प्रकार से ये मिलना बंद हो जाएगा, ये चालू, ये मिलना बंद हो जाएगा, ये वाला चालू हो जाएगा। उसी प्रकार से 30 लोग डायरेक्ट हो जाते हैं, 500 का टीम सर्च हो जाएगा, $500 हर महीना मिलेगा। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे क्वालिफाई कर चुके हैं अभी। अच्छा ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि इसको ये बैलेट पे नहीं देगा, डायरेक्ट आपके एड्रेस जो भी आप दिए हैं वो ट्रस्ट वैलेट का दिए हैं या फिर बाइनेंस का दिए हैं, उस पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये था, ये प्योर डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है सर। हाँ, प्योर डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, सिस्टम है सर। अच्छा ठीक है, तो ये था प्लान जैसे कि मैं यहाँ पर बताया आपको। और मोटा मोटी ये प्लान कैसा लगा सर? सर प्लान तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और मैं इस प्लान के बारे में काफ़ी दिन से सुन रहा था, बस प्लान जानकारी नहीं था, इसलिए आपको मैं प्लान दिखाने के लिए बोला। काफ़ी अच्छा तरह से आप बताया सर, थैंक यू। नहीं एक्चुअली मैं उतना अच्छा खासा सर लिख नहीं पाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा अच्छा, राइटिंग भी बहुत अच्छा है, लोगों को समझ में आ जाएगा, मेरे को भी समझ में आया सर। तो ये प्लान करना चाहिए कि नहीं सर? एकदम करना चाहिए सर। आप मुझे जो भी है इसका डिटेल्स बता दीजिए। हाँ, मैं डिटेल आपको दे देता हूँ। ठीक है सर, ओके।